नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8th का सामाजिक विज्ञान यानी कि SST का पेपर, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर पूरा ज़रूर देखें, ताकि यहाँ पर जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा जो है कर सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें आप मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है आपके सेम टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये जो पेपर है 80 मार्क्स का आपके होगा। पैटर्न यहाँ पर सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन के आपको आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपके टोटल यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन MCQ के दिए हुए होंगे। तो यहाँ पर अब इसके लगातार हम आंसर देखते हैं। पहला है पार्ट ए, जिसमें भी स्टार्टिंग होती है पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट जो है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है इन्होंने लिखी थी। यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको जो है आप नोटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन स, यानी कि ऑप्शन सी, वर्ली विद्रोह हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, नरेंद्र नाथ दत्त। यहाँ पर जो है इनका मूल नाम था, यानी कि विवेकानंद का मूल नाम था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चार का द, ऑप्शन कैंसर उपचार की औषधियाँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं इसके, इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा पाँचवें का ऑप्शन अ। यहाँ पर जो है समय जो है निर्माता नहीं हो सकता मिट्टी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर सात है, धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है? तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ है, यहाँ पर प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 65 स्थानीय कानून थे। फिर है क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, अ और ब दोनों, यानी कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर जो है संविधान अनुच्छेद 39A के तहत वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से हुड़ा सम्मेलन, ये यहाँ पर दिया हुआ है, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सवाई जय सिंह ने जो है हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, नसीराबाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, मरुस्थल प्रदेश जो है इसमें, यहाँ पर राजस्थान में वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, यानी कि जो एक एरिया होता है उसमें सबसे कम लोग केवल मरुस्थल एरिया में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 8 क्वेश्चन दूसरे में आपको दिए हुए हैं। फिर पहला है इसमें, यहाँ पर आपको साइड में 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो पहला है, असम के आदिवासी मैं काम करने के लिए जाने लगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा, चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। फिर है दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार डैश के हाथ में सौंप दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत एक धर्म निरपेक्ष डैश है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देश है। फिर चौथा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून डैश से लागू, यानी कि कब से लागू हुआ ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, 2006 से लागू हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास लक्ष्य में डैश लक्ष्यों का चयन किया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, 17 लक्ष्यों का चयन किया गया।
छठा क्वेश्चन है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर डैश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित बूंदी में, बूंदी में स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7वां, कम वर्षा वाले डैश प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम डैश खनिजों के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें तीसरे में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स है, यानी कि जो सही है उस पर टिक लगाना है और अगर गलत है तो क्रॉस लगाना है। तो पहला है इसमें, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सही है, यानी कि ये वाला, तो इसमें टिक लगा देना है। फिर है दूसरा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, तो यहाँ पर इसमें क्रॉस कर देना है। यहाँ पर आपको जो पेपर दिया जाएगा वो पेपर ही वो मैं आपको आंसर करने हैं और वही पेपर आपसे ले लिया जाएगा, आपको इसमें जो है कुछ भी आप जो है दिया नहीं जाएगा, आपको पेपर मतलब दिया नहीं जाएगा अलग से घर ले जाने के लिए। फिर है तीसरा क्वेश्चन, इसमें तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं, तो तीसरे में यहाँ पर जो है ये गलत है, यहाँ पर इसमें भी क्रॉस लगा देना है। फिर है चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है। फिर है पाँचवा, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो पाँचवें में यहाँ पर ये भी आपका सही ऑप्शन है, यानी कि टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, फिर छठा क्वेश्चन है इसमें, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं, तो ये भी यहाँ पर आपके सही है। फिर है 7वां, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, तो इसमें क्रॉस लगा देंगे। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच करना है इन कॉलम्स को, तो पहला यहाँ पर है इसमें नाम दिए हुए हैं पहले से 5वें तक, उसके बाद ही ये स्तंभ ब में 5 दिए हुए हैं, तो राजा राम मोहन राय इसमें यहाँ पर जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये यहाँ पर तीसरे से मिल जाएगा। फिर विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक तो ये है यहाँ पर चिली, तो ये 5वें से मिल जाएगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये है उदयपुर में, तो ये दूसरे से मिल जाएगा। मृदा अपरदन को रोकना तो यहाँ पर इसके सामने ही है, ये चट्टान बांध। उसके बाद लास्ट है खाटू श्याम जी का मंदिर, ये है सीकर में, तो यहाँ पर ये पहले से मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है मिलाना है इसको, या फिर साइड में यहाँ पर आप जो है नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर एक जैसे हैं तो इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप मिला दीजिए इसको। आगे है फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, भारत का मान चित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल। यहाँ पर जो है इसको आप देखिए, जेम्स रेनल जो थे इनको जो है अपॉइंट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, यानी कि केवल मुनरो लिखेंगे तो अभी आपका आंसर सही होगा, मुनरो जो थे वो 1819 से 1826 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। फिर है प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बाय अर्थ या फिर पृथ्वी से। फिर है जल संग्रहण के कोई दो उपाय लिखिए, तो यहाँ पर आप दो उपाय लिख सकते हैं कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना और भूमिगत पुनर्भरण तकनीक से जो है जल संग्रहण को बढ़ाया जा सकता है। फिर है 9वां क्वेश्चन, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की भूमिका इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट, इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा, पार्लियामेंट की जो है इसमें इंपॉर्टेंस होती है मेकिंग ऑफ लॉ। उसके बाद है खंड ब यानी कि पार्ट बी, इसमें यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 10वां है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, कोई 3 कारण लिखें, तो यहाँ पर अब जो है बड़े क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं केवल बोल के बताऊँगा, आप वीडियो को जो है सुन सकते हैं ध्यान से और नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर होगा पहले 3 इसमें जो है कारण हो सकते हैं कि नवाब के स्थानीय अधिकारियों की अनुचित मांग कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रही थी, दूसरा है कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था, और तीसरा है कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी, तो ये यहाँ पर कारण हो जाएंगे 3। फिर 11वां क्वेश्चन है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली, इसमें भी कोई 3 नीतियाँ बतानी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि पहली नीति हो जाएगी शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया, दूसरा हो जाएगा उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए गए पुत्र को मान्यता दी गई, और तीसरा हो जाएगा ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया। फिर 12वां क्वेश्चन है, संसाधन क्या है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज,
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विभिन्न प्रकार की वस्तु का या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। इसमें आप इसके प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आता है यहाँ पर आगे 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर जो है खाली जगह आपको दी जाएगी, इसमें आपको चित्र बनाना है, तो वो यहाँ पर आप बुक से जो है नोट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया जाए, जिसमें आप जानते होंगे इनकी जो उम्र होती है वो 18 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि निश्चित आयु के बाद जो है बिना किसी भेदभाव के वयस्कों को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्रदान करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियरी। तो इसमें यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है अलग अलग पॉइंट लेके आप लिख सकते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट बता देता हूँ जिसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि विवाद समाधान करना, ठीक है ना। तो मतलब विवाद कोई आता है अगर कोर्ट के पास तो उसको समाधान करना, उसका समाधान करना। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा करना, तीसरा हो जाएगा कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। ये 3 पॉइंट के बेसिस पे आप इसको जो है दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आगे है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो है मैप दिया हुआ है, मैप में यहाँ पर आपको जो है भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर इनको यहाँ पर दर्शाना है इस मैप में। तो यहाँ पर मैं जूम आउट करके इसमें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है ये मैप दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके जो है आ जाएगा ये जयपुर, यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ पर कहीं आ जाएगा आपके ब्यावर जो होता है, ब्यावर जो दिया हुआ है ये ब्यावर यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा आपके भीलवाड़, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ये जयपुर है, ये ब्यावर है यहाँ पर, और यहाँ पर है भीलवाड़ा, ये वाली जो जगह है ये वाला, ये पूरा ज़िला भीलवाड़ा है। तो इस तरीके से आप इसमें नाम भर सकते हैं। तो मैप यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, साइबर सुरक्षा के कोई उपाय बताइए, कोई 3। 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जैसे कि मैं यहाँ पर जो है पॉइंट बता देता हूँ उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि पहला है पासवर्ड सुरक्षा, यानी कि पासवर्ड को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है जिससे साइबर सुरक्षा हो सके। दूसरा हो जाएगा डिजिटल सुरक्षा, और तीसरा हो जाएगा बाहरी मीडिया के प्रयोग के दौरान सावधानी, यानी कि बाहर अगर कहीं भी आप कुछ भी चलाते हैं ऑनलाइन तो उसको जो है कैसे सुरक्षित रखें। ये 3 तरीके हो सकते हैं जिससे साइबर सुरक्षा को बरकरार रखा जा सकता है। फिर आगे आ जाता है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से, यानी कि पार्ट सी यहाँ पर शुरू होता है, 18 से 21 तक जो है लास्ट क्वेश्चन ये होंगे। तो 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो इसका आंसर होगा क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बेचने पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य नेता का कहना था कि नमक पर टैक्स लेना पाप है क्योंकि नमक हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अथवा में यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया, वाई डायरेक्ट एक्शन डे वॉज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, और इसको जो है अंजाम दिया था मोहम्मद जिन्ना ने, जिसका आप नाम जो है पढ़ चुके होंगे आपकी नोट वो आपकी बुक में। उसके बाद आता है आपके आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं यानी कि निर्वाह कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद अथवा में जो है एक और क्वेश्चन है, भारत के किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन करो, डिस्क्राइब दी एक्टिविटीज ऑफ एन एग्रीकल्चरल फॉर्म इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं, चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन शामिल हैं।
तो इस तरह इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखें। तो जैसे कि यहाँ पर जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें से आप किसी दो को लेके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 6 जो है आपको मौलिक अधिकार बता देता हूँ, उसके हिसाब अपने हिसाब से आप दो को जो है लेकर लिख सकते हैं। जैसे कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 होते हैं, इनमें से किसी दो को लेके आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, निरंकुशता एक सत्तारूढ़ प्रणाली का एक प्रकार है जहाँ किसी राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति और अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। निरंकुशता में शासक के पास कानूनी प्रतिबंध या राजनीतिक बाधाएं नहीं रहती हैं। और संवैधानिक रूप से इसको जो है किस तरीके से हल किया जा सकता है, आप इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आगे है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में जो है 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थीं, और मत्स्य संघ का नाम जो है वो श्री के एम मुंशी ने सुझाया था। तो यहाँ पर इसमें जो है ये 18 मार्च से 1948 से जो प्रारंभ हुआ था एकीकरण, जो कि 1956 में ख़त्म हुआ था, इसमें 30 मार्च को जो है राजस्थान एक का राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये भी यहाँ पर अगर आप डाल देंगे आंसर में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अथवा मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया कि 7 चरणों में जो है एकीकरण हुआ था, तो इसमें पूछ रहा है कि चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए, यानी कि चौथे चरण में जो एकीकरण का काम हो रहा था उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं। तो चौथे चरण में जो है संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय किया गया था, यानी कि ये रियासतें शामिल की गई थीं। इसमें ये शर्त रखी गई थी कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाना शामिल किया जाएगा, जिसके हिसाब से जो है ये एकीकरण हुआ था। तो इसको आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, कम से कम 7 से 8 लाइनों का आंसर लिखना होगा, तो इसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पैटर्न जो इसका है वो सेम इसी तरीके का रहेगा। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादातर संभावना ऐसी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर को आप नोट कर लेंगे, और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए 8th क्लास के जो है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।